टिकटॉक बैन हो गया। तू जितर हो गया, तेरा तो अकाउंट भी रहता टिकटॉक पे। अबे तेल लेने में अकाउंट, अब क्या होगा, अब बुआ क्या होगा। हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टिकटॉक बैन होने पर टिकटॉक क्रिएटर का क्या रिएक्शन है, लाइक मिस्टर फैजूज अनस जुबैर एंड अभिनेत कुआरियाज अली और ऐसे बहुत ही सारे क्रिएटर है, इन सभी के रिएक्शन क्या है। एंड गाइज, यहाँ पर बहुत ही सारे यूट्यूबर ने भी वीडियो बनाया है, उन सभी यूट्यूबर का क्या रिएक्शन है टिकटॉक बैन होने पर, मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। एंड गाइज, अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो गाइस फटाफट से लाइक कर दें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप सभी को दिखा देते हैं कि यूट्यूबर और टिकटॉक क्रिएटर का क्या रिएक्शन है टिकटॉक बैन होने पर। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर बने रहें एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कुछ आधे घंटे पहले ही बोला था कि यार बस टिकटॉक बैन हो जाए, मतलब मजा आ जाए। और हम दोस्तों जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से क्या सेंटीमेंट है, तो अभी के लिए 59 ऐप्स को फाइनली ऑफिशियली दोस्तों गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। आप बस इस वीडियो को अभी का अभी फैला दो, सब तरफ शेयर कर दो और बताओ कि आपके मन में क्या चल रहा है नीचे कमेंट करते हुए, और आपको कितनी ज्यादा खुशी हुई है इसी। टिकटॉक बैन हो गया। तू जितर हो गया, तेरा तो अकाउंट भी रहता टिकटॉक पे। अबे तेल लेने में अकाउंट, अब क्या होगा, अब बुआ क्या होगा। अब्बू तुम्हारे टिकटॉक कर दे क्या? अबे कांडू, अब्बू की लाली पाउडर की दुकान थी। यू कह रहे हैं तेरे दोस्तों को रिंग लाइट की दुकान करवा दूंगा। अब कैसे चलेगा धंधा? ब्रेकिंग न्यूज, बट ठीक है, गवर्नमेंट का फैसला है तो हमें मानना है, बिल्कुल मानना है। हो रहा था तमाम ऐप्स का और अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। टिकटॉक बैन हो गया, सैड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, बट ठीक है, गवर्नमेंट का फैसला है तो हमें मानना है, बिल्कुल मानना है। कि टिकटॉक बचो यार उससे, बस यही कहूंगा, टिकटॉक और कोरोना एक ही देश के बीच है। गू को मत देखो, आप गू मत देखो, यहाँ लोगों को देखना पसंद है कूड़ा बेफालतू की चीजें। अगर आप मेरे से प्यार करते तो टिकटॉक बैन होना चाहिए, तो टिकटॉक बैन होना चाहिए, तो टिकटॉक बैन होना चाहिए। मोदी सरकार की ओर से चीनी ऐप पर की गई है डिजिटल स्ट्राइक। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कि मोदी है तो मुमकिन है। म्यूजिक, भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ का भोसड़ा, भारत में जो ചൈനീസ് സമൂഹ മാധ്യമമായ ടിക്ടോക് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചു. ആദർശാണ് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ക് ചെറിയ ചെറിയൊരു ഞാൻ ശവപ്പെട്ടി നോക്കിക്കോളാം, ബാക്കി നിങ്ങെന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കോളാം. അയ്യോ എന്റെ എന്റെ അമ്മ. कंटेंट के नाम
पराग ने टीपी कहते जाऊंगा, प्यार कर अंडीलों ना काम मचाऊंगा, पाउडर कहाँ उड़ाऊंगा, टी शर्ट कहाँ चेंज करूंगा, और हमारे वो टिकटॉक के चूतर शायर वो शायरी के नाम पर अपनी माँ कहाँ चुदवाएंगे, और हमारे वो इमोशनल वीडियो की बकचोदी करने वाले वो अपनी गांड कहाँ मराएंगे, और हमारा वो सत्ता संदीप महेश्वरी जो ऐसे कहता था गरीब के बच्चे हो ना वो अपनी गांड कहाँ मरवाएगा। शांत हो जा भाई, सब ठीक हो जाएगा। पता है हम टिकटॉकर से भी गांड मरवाने वाली वीडियो टिकटॉक पर अपलोड करने वाले थे, कंटेंट को एक नए लेवल पर लेकर जा रहे थे। अब हम अपनी 4 घंटे की मेहनत कहाँ दिखाएंगे, मोदी जी ने तो हमें बैन इनटू 100 कर दिया। गैस जैसे कि आप लोगों ने देखे कि टिकटॉक क्रिएटर एंड यूट्यूब क्रिएटर का क्या रिएक्शन है, तो गैस आप लोग क्या कहना चाहोगे कि हमारे गवर्नमेंट टिकटॉक को बैन करके क्या अच्छा किया या फिर बुरा, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।